So guys, this is Kay. If you like this video, please like and subscribe. सरेंडर वैल्यू बेनिफिट जीवन उमंग। इस पॉलिसी में दो प्रकार के सरेंडर वैल्यू हैं। एक है गारंटेड सरेंडर वैल्यू और दूसरा है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। गारंटेड सरेंडर वैल्यू जीएसवी और स्पेशल सरेंडर वैल्यू एसएसवी में जो ज़्यादा होगा वो अमाउंट मिलेगा। चलो देखते हैं गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या है। हमने जितना प्रीमियम भरा है उसको हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जीएसवी फैक्टर जिसे बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जीएसवी फैक्टर ये हमें अनेक्षर 8 जो जीवन उमंग के सर्कुलर के साथ दिया है उसमें मिलता है पॉलिसी टर्म, और जिस साल हम पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं उस साल का जीएसवी फैक्टर जो कि परसेंटेज में है उसे हमें टोटल प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार जीएसवी फैक्टर ये सिंपल रिविजनरी बोनस के लिए भी कैलकुलेट करना है जो हमें अनेक्षर 9 में दिया गया है। यहाँ पे जीएसवी फैक्टर पॉलिसी टर्म और जिस साल पॉलिसी सरेंडर की है वो पॉलिसी ईयर से मिलेगा। उसे हमें उस साल तक जितना बोनस मिला है और जमा है उसे मल्टीप्लाई करना है। सो टोटल गारंटीड सरेंडर वैल्यू विल बी प्रीमियम का पोर्शन मतलब जीएसवी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पेड प्रीमियम। अब तक जितना प्रीमियम हमने पे किया है उसको हम लोग जीएसवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बोनस का पोर्शन मतलब जितना बोनस हमारे पॉलिसी में जमा हुआ है उसको हम जीएसवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों का एडिशन मिला के हमें टोटल गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगा। चलो अब स्पेशल सरेंडर वैल्यू देखते हैं, इसे एसएसवी भी बोलते हैं। इसमें दो प्रकार हैं, एक जिसमें एसएसवी ड्यूरिंग द पीपीटी मतलब प्रीमियम भरने के दौरान अगर हम पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो उसका सरेंडर वैल्यू, और दूसरा एसएसवी आफ्टर पीपीटी मतलब प्रीमियम पूरा भरा हुआ है, सर्वाइवल बेनिफिट भी हम लोग ले रहे हैं और अब मुझे पॉलिसी सरेंडर करनी है, मैच्योरिटी विड्रॉ करनी है, तो एसएसवी आफ्टर पीपीटी। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। एसएसवी ड्यूरिंग पीपीटी, इसमें एसएसवी फैक्टर अनेक्षर 10 में दिया है, उस एसएसवी फैक्टर को हम मैच्योरिटी पेड अप सम अश्योर्ड और बोनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एसएसवी ड्यूरिंग पीपीटी मिलेगा। मैच्योरिटी पेड अप कैसे निकालते हैं अगर ये जानना है तो हमारा पेड अप वैल्यू ऑफ जीवन उमंग का वीडियो है, वो देख लीजिए। एसएससी फैक्टर इन अनेक्षर 10 इस प्रकार होता है, इससे हमें एसएससी फैक्टर मिलेगा और हम स्पेशल सरेंडर वैल्यू ड्यूरिंग पीपीटी निकाल सकते हैं। एसएससी फैक्टर आफ्टर पीपीटी इज 90% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस फॉर फुल्ली पेड अप पॉलिसीज। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा पीपीटी का टर्म पूरा हो चुका है, मैंने पूरे प्रीमियम भरे हैं, उसके बाद मैं सर्वाइवल बेनिफिट भी एंजॉय कर रहा हूँ और अब मुझे एक कुछ सालों के बाद पॉलिसी सरेंडर करनी है, मुझे मैच्योरिटी चाहिए, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो मुझे मिलेगा सम अश्योर्ड और जितना भी मेरा बोनस है उसका 90%। अगर मेरी पॉलिसी पेड अप हुई है मतलब मैंने प्रीमियम नहीं भरा है और मेरी पॉलिसी पेड अप हुई है जिसके ऊपर मुझे सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है और उसके बावजूद मेरे को कुछ सालों के बाद पॉलिसी सरेंडर करनी है, तो मुझे पेड अप सम अश्योर्ड प्लस बोनस का 90% मिलेगा। चलो इसे और डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एज 25 कंसिडर किया है जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म है 25 साल और सम अश्योर्ड है 10 लाख, तो पॉलिसी होगी 100 साल तक। इसमें इंश्योरेंस कवर एज 100 तक है इसलिए हम इसे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी बोलते हैं। अब इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो लिमिटेड है, मतलब आपको प्रीमियम 100 साल तक नहीं भरना है, वो सिर्फ 25 साल तक ही भरना है मतलब एज 50 तक। अब पहला ही प्रीमियम भरने पे आपकी 10 लाख की पॉलिसी शुरू हो गई और आप इसका रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं 25 साल तक। 25वें साल का प्रीमियम भरने के बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट शुरू हो गया। सर्वाइवल बेनिफिट आपको 8% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलेगा और ये सर्वाइवल बेनिफिट आपको एज 100 तक मिलेगा। 8% ऑफ सम अश्योर्ड मतलब 80,000 रुपीज ईयरली, क्योंकि सम अश्योर्ड है 10 लाख और ये बेनिफिट आपको 100 साल तक मिलेगा और 100वें साल में आपको मिलेगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में आपको मिलता है सम अश्योर्ड प्लस B1 प्लस B2 प्लस FAB।
B1 का मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान का बोनस, तो समझने के लिए हम उसको B1 बोलते हैं। और B2 मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद का बोनस मैच्योरिटी तक, उसको समझने के लिए हम B2 बोलते हैं। सो टोटल अमाउंट जो आपको मिलती है वो है 1,26,85,000। इसका मतलब आपको मिलता है पैसों की बारिश। ये अभी उसका कैलकुलेशन शीट है। अब देखते हैं स्पेशल सरेंडर वैल्यू बेनिफिट आफ्टर PPT। इसको हम मैच्योरिटी विड्रॉवल बेनिफिट भी बोल सकते हैं, जो कि आता है 90% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस B1 प्लस B2 प्लस FAB, या फिर उस साल अगर डेथ होती है तो उसका 90% पोस्ट PPT। चलो और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमने 50 साल तक, उम्र के 50 साल तक प्रीमियम भरा हुआ है। प्रीमियम भरने के बाद हम 8% के हिसाब से सर्वाइवल बेनिफिट भी ले रहे हैं। अब हम 75 साल में एट द एज ऑफ 75 बोलते हैं कि हमें मैच्योरिटी अमाउंट वापस चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे SSV, स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जो आता है 90% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस B1 प्लस B2 प्लस FAB, विच इज इक्वल टू 55,44,000। चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसके बाद पॉलिसी बंद हो जाती है। चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। एज एट एंट्री है 25 years, बेसिक सम अश्योर्ड है 10 lakhs, PPT है 25 साल की, और सरेंडर हम लोग करेंगे एट द एज ऑफ 75। सो सरेंडर के टाइम हमें मिलेगा सम अश्योर्ड जो कि है 10 lakh, फिर बोनस फॉर द PPT मिलेगा 11,75,000, फिर बोनस आफ्टर PPT मिलेगा 5,75,000, फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा 34,10,000, जो टोटल आता है वो है 61,60,000। इसका हमें स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो है वो मिलेगा 90%, मतलब 90% ऑफ 61,60,000 इज 55,44,000। इसका मतलब ये पॉलिसी हमें एक तो रेगुलर इनकम का बेनिफिट देती है सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पे आफ्टर PPT, प्लस होल लाइफ का रिस्क कवर देती है, होल लाइफ कवर देती है, प्लस मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलता है। और अगर मैच्योरिटी 100 एज में नहीं चाहिए या डेथ से पहले चाहिए, एंजॉय करना है, तो हमें स्पेशल सरेंडर वैल्यू का भी बेनिफिट मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। थैंक यू फ्रेंड्स।